हेलो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखिए भारत का प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आरआई भोपाल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एनसीईआरटी का एक यूनिट है जहाँ टीचर एजुकेशन, भारत में जितने टीचर एजुकेशन होते हैं यहाँ भी कुछ स्टेट का बच्चे टीचर एजुकेशन लेते हैं। आप देखिए एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो एनसीईआरटी 1961 में हुआ था, एनसीईआरटी के बारे में आप भी थोड़ा जान लीजिए। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट एंड एडवाइस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। यानी स्कूल एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1961 को एनसीईआरटी शुरू किया था और एनसीईआरटी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो भारत का स्कूल एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ाने में जो पॉलिसी प्रोग्राम्स होते हैं वो इंप्लीमेंट्स करता है। उसका क्वालिटी वो कुछ भी हो, दैट इज प्योरली अंडरटेकन बाय द एनसीईआरटी। द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लोकेटेड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ एनसीईआरटी। जितने रीजनल इंस्टीट्यूट इंडिया में है, अभी कितने मैं आपको बताऊंगा, ये सारे एनसीईआरटी का कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स इज टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड टीचर ट्रेनिंग एंड टू डेवलप एंड डिसेमिनेट द इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। सो टीचर ट्रेनिंग जितना होता है इन सर्विस और प्री सर्विस हो, सारे कौन करता है? आरआई करता है, रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन करता है। किसके तौर पे ना, एनसीईआरटी की, यानी एनसीईआरटी उसका मुख्य या नोडल एजेंसी है। तो एनसीईआरटी के अंडर देखिए आप कितने इंस्टीट्यूट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप देखिए, पहले नंबर वन एनआईई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो दिल्ली में है। दूसरा सीआईईटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी दिल्ली में। तीसरा पीएसएससीआईवी, ये भोपाल में। चौथा आरआई अजमेर, अजमेर में। और पाँचवा आरआई भोपाल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा आरआई भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में भी एक है। और आरआई मैसूर, मैसूर में एक है। और आरआई शिलांग, शिलांग में एक है। ये जितने इंस्टीट्यूट है ये सभी एनसीईआरटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी एनसीईआरटी इसको चलाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारा मकसद है, हम विल गो फॉर द आरआई भोपाल। अभी देखिए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में पहले हम जानने से पहले जानते हैं व्हाट इज रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, ठीक है ना। रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन भोपाल कैटर्स टू द एजुकेशन नीड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। आप यहाँ ध्यान रखिए, वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री कंप्राइजिंग ऑफ द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एंड यूटी ऑफ दामन दीव एंड दादरा नगर हवेली। ये जितने स्टेट यूटी है इसी का बच्चे या यहाँ पढ़ सकते हैं, और कोई दूसरा स्टेट का बच्चे नहीं पढ़ सकते। प्रोग्राम्स ऑफ पढ़ने आ रही भोपाल आर अफिलिएटेड टू बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। जितना प्रोग्राम्स यहाँ पे, ये भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है। उसके बाद एडमिशन टू बीएससी बीएड प्रोग्राम ऑफ आरआई रेस्ट्रिक्टेड टू कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एंड यूटी ऑफ दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। अगर बीएससी बीएड में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो बच्चा इसी स्टेट और इसी यूटी से बिलोंग करना जरूरी है, नहीं तो नहीं हो सकता है। द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन आर आई भोपाल फॉर एडमिशन टू बी एस सी बीड प्राइज 80, 40 फॉर फिजिकल साइंस यानी पी सी एम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड 40 फॉर बायो साइंस ग्रुप यानी सी बी जेड। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी रिजर्व सीट्स, यहाँ सीट्स रिजर्व है। अब देखिए कितना रिजर्व है, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स कैंडिडेट्स बिलोंग टू सर्टन कैटेगरीज आर एडमिटेड टू सीट्स। कितना है, एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, पीडब्ल्यूडी 5%। इसी के हिसाब से सीट बांटा जाता है और जो बच्चे एडमिशन करते हैं इसी के हिसाब से वो एडमिशन लेते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, सीट्स अवेलेबल कितना है। अभी यहाँ देखिए हम ये अभी डिस्कस करते हैं, फिजिकल साइंस पे 40 सीट है और बायोलॉजिकल साइंस पे 40 सीट है। बीएससी बीएड प्रोग्राम इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स का होता है, यहाँ एडमिशन करने के बच्चे 40-40 सीट है। अब अबाउट द बीएससी बीएड प्रोग्राम, बी एस सी बीड प्रोग्राम क्या है, देखिए द 4 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इंटीग्रेट्स जनरल स्टडीज इन साइंस कंटेंट कोर्सेज ऑन पार विद दोज ऑफ अंडरग्रेजुएट लिबरल प्रोग्राम्स इन साइंस। जैसे यूनिवर्सिटी में होती है अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम उसी के साथ बराबर है। एंड प्रोफेशनल स्टडीज कंप्राइजिंग फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन
पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिकम रिलेटेड टास्क एंड फंक्शन ऑफ द स्कूल टीचर। सो बीएससी में जो होता है वही होता है, जैसे ही बच्चा रखता है ऑनर्स वो भी ऑनर्स रख सकता है, और ऑनर्स के साथ ये जो एजुकेशन टॉपिक है वो इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड इसी तरह हुआ है, बच्चा एजुकेशन भी पढ़ जाता है। इट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस, यहाँ थियोरी और प्रैक्टिस के बीच में बच्चों को मेंटेन करना पड़ता है हारमोनी एंड कोहेरेंस एंड इंटीग्रेशन अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम रिप्रेजेंटिंग वाइड नॉलेज बेस ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल टीचर। एक सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए जो नॉलेज चाहिए यहाँ भरपूर इसके अंदर है। द प्रोग्राम एम्स एट प्रिपेयरिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर्स फॉर अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेशन ये इंस्टीट्यूट टीचर्स को तैयार करता है। द फोर इंटरेटेड कोर्स हैज बीन डिजाइन इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट रिसर्च एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो भी लेटेस्ट होता है रिसर्च एजुकेशन में वो प्रैक्टिकल वो ही बच्चे उसको सीखते हैं, ठीक है ना। बिसाइड्स हैविंग लेटेस्ट नॉलेज इन कंटेंट्स एरियाज द टीचर ट्रेन इज बिकम वेल वर्स्ड इन पेडागोजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। पेडागोजी क्या है? द साइंस ऑफ लर्निंग। तो कम्युनिकेशन स्किल विच आर इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। उसके बाद देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट थ्रू सीईई, यहाँ 2020 आप लगा लीजिए कोई भी साल हो, सीई कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल गो अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन बीएससी बीएड इन एनी वन ऑफ द राइज एट अजमेर भुवनेश्वर भोपाल मैसूर बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। बच्चा जिस स्टेट का हो उसी का स्टेट का जो एफिलिएशन जिसी इंस्टीट्यूट में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यानी आरआई में है उसमें वो एडमिशन ले सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड ही और सी हैज टू क्वालिफाई सीईई। दिस प्रोग्राम इज नॉट अफोर्डिंग आर आई शिलोंग में बीएससी बीएड कोर्स नहीं है। अदर जनरल इन्फॉर्मेशन आप देखिए द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन, ये फॉर्म इसमें ऑनलाइन भरा जाता है। प्लीज़ अगर उसको और चले पोर्टल में आप जा सकते हैं एनसीईआरटी का cee.ncert.ac.in में आप जा सकते हैं। द कैंडिडेट्स हैव टू एडमिट डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर फॉर्म भरेगा तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 1000 रुपये होता है, ठीक है ना, और 500 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 500 होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करना पड़ता है। फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म विजिट वेबसाइट www.cee.ncert.gov.in। तो यहाँ पे आपको फॉर्म डिपॉजिट करना पड़ता है। एप्लीकेंट्स मस्ट नोट दैट आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इट कैन नॉट बी विदड्रॉन कर ही नहीं सकते, वो आपको पता होगा। अभी नंबर वन हम देखते हैं एनश्योर दैट यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन टू बी एस सी बी बी एड बी ए बी एड बी एड एम ए सी एजुकेशन एम ए एजुकेशन मास्टरिंग एजुकेशन। तो आप देखिए ये जितना कोर्स है इसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है पहले यू हैव टू फाइंड आउट। एलिजिबल एलिजिबल कैसे, अगर बी एस सी बी एड आपको होना है तो यू मस्ट हैव टू कम्प्लीट प्लस टू साइंस यानी सेकेंडरी साइंस आपको कम्प्लीट करना पड़ेगा। बी ए बी एड के लिए प्लस टू आर्ट्स और सिर्फ बी एड के लिए आपको प्लस थ्री यानी अंडर ग्रेजुएट करना पड़ेगा। एमएससी के लिए ग्रेजुएट आपको जरूरी, एमएससी एजुकेशन ग्रेजुएट विथ प्रोफेशनल एजुकेशन आपको खत्म करना होगा, और एमएड के लिए भी आपको बीएड खत्म करना जरूरी होगा तभी आप एडमिशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी कम्प्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ये इसको पढ़ना ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो द एप्लीकेशन फीस ये इसको छोड़िए, आप जानते हैं जैसे एप्लीकेशन भरा जाता है। आप दूसरे चलते हैं एरियाज ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कौन से एरिया में एंट्रेंस होता है आप इसको सभी जानिए। ये क्या होता है, तीन तरह के क्वेश्चन इसका तैयार किया था कि ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी। ग्रुप ए में बी एस सी बी एड बी ए बी एड एम एस सी एजुकेशन मैसूर, एम एस सी एजुकेशन सिर्फ मैसूर में चलता है, और बाकी बी एस सी बी एड बी ए बी एड जो हमने अभी बताया उसमें चलता है, और एक बी एड और एक एम एड। लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एज फॉलो, देखिए तीन ग्रुप के लिए तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर ग्रुप ए किया जाए तो प्लस टू लेवल सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन होता है और सीनियर सेकेंडरी का होता है, और ग्रुप बी का जो है लेवल क्वेश्चन भी दैट इज ग्रेजुएशन लेवल का होता है क्योंकि आपको एम एड करना है ना। और ये जो होता है ग्रेजुएशन विथ प्रोफेशनल यानी बी ए बी एड और बी एस सी बी एड लेवल का क्वेश्चन होता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट। अगर आपको बच्चे का देना है तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो फॉर ऑल द ग्रुप सीरियस टू बी लिस्टेड, देखिए सभी ग्रुप के लिए नंबर वन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एक में आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दूसरा टीचिंग और एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड, तीसरा था रीजनिंग एबिलिटी। आउट ऑफ 80 क्वेश्चन कुल 80 क्वेश्चन है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 नंबर का इंग्लिश का आता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन आते हैं। आप याद रखिए इसको, लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन आता है। उसके बाद मीडियम टेस्ट बुक्स क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल होता है। टोटल 80 क्वेश्चन, टाइम 120 मिनट 2 घंटे का होता है,
नंबर टेस्ट बुक ओनली वन सेट ऑफ बुलेट विल बी प्रिपेयर फॉर ईच ग्रुप, एक बुक ईच ग्रुप के लिए एक क्वेश्चन सेट प्रिपेयर किया जाता है। करेक्ट आंसर विल कैरी 2 marks, ईच रॉन्ग आंसर विल कैरी नेगेटिव मार्किंग दैट इज -0.5, अनअटेम्प्टेड विल कैरी नो मार्क्स। अगर ठीक हुआ 2 नंबर, गलत हुआ अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको कोई नंबर मिलेगा नहीं, उसमें कोई माइनस या प्लस नहीं है। अभी देखिए इसका भी हॉस्टल फैसिलिटीज है, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं दे हैव टू स्टे इन हॉस्टल, दे आर हैविंग वेरी गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द हॉस्टल एंड दे कैन इजीली स्टे देयर एंड स्टडी देयर। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा टीचर हो या टीचिंग लाइन उसका प्रोफेशन हो तो ज़रूर आप कोशिश कीजिए अपने स्टेट के हिसाब से आर आई में एडमिशन कराने के लिए, तो उसके लिए आप इसी तरह प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको टीचर स्टूडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वैसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल होंगे। थैंक यू।